झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 24 आदर्श कॉलोनी के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और भू माफियाओं पर कार्यवाही करने की मांग की। कांग्रेस नेता तेजस्विनी शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदर्श कॉलोनी के लोग पहुंचे, जिन्होंने बताया कि कुछ भू माफियाओं ने आदर्श कॉलोनी के साथ लगती जमीन को खरीदा है, जिसमें नियमों के विरुद्ध जाकर प्लाटिंग की जा रही है। वहीं आदर्श कॉलोनी के छह रास्ते बंद कर लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यदि इस प्लाटिंग को रोककर कार्यवाही नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि दो दिन पहले इस मामले में कॉलोनी के लोगों ने नगर परिषद पर भी प्रदर्शन किया था और आयुक्त को इस प्लाटिंग को रोककर उनके बंद किए रास्ते खुलवाने की मांग की थी। ये वार्ड नंबर 24 के वासिंदे हैं और वहाँ पे कुछ लोगों ने अब इनकी जमीन को ब्लॉक कर दिया है। इनके छह रास्ते निकलते हैं तो आना जाने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। जो इन्होंने नक्शा बना करके इनको दिखाया था, उस नक्शे के अनुसार वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और तकरीबन 300 घर है वहाँ पर जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमने प्रशासन से मांग की है कि उन रास्तों को तुरंत खुलवाया जाए और अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं तो हम ये चाहे यहाँ धरना भी प्रदर्शन करना पड़े और हम 145 और 177 की कार्रवाई चाहते हैं जो तुरंत प्रभाव से करी जाए। भूमाफिया जिन्होंने वहाँ पे जमीन प्लॉटिंग वगैरह काटी है और कई वहाँ पर ऐसी भी है जिन पर रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री करा करके उन्होंने पहचान किया है। जब आप रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री करा के बेच रहे हो तो इल्लीगल हो गई वो। यहाँ पर हम आज कलेक्टर साहब से मिलेंगे और एसडीएम साहब से मिलेंगे। ये वार्ड नंबर 24 के वासिंदे हैं और वहाँ पे कुछ लोगों ने अब इनकी जमीन को ब्लॉक कर दिया है। इनके छह रास्ते निकलते हैं तो आना जाने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। जो इन्होंने नक्शा बना करके इनको दिखाया था, उस नक्शे के अनुसार वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और तकरीबन 300 घर है वहाँ पर जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमने प्रशासन से मांग की है कि उन रास्तों को तुरंत खुलवाया जाए और अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं तो हम ये चाहे यहाँ धरना भी प्रदर्शन करना पड़े और हम 145 और 177 की कार्रवाई चाहते हैं जो तुरंत प्रभाव से करी जाए। भूमाफिया जिन्होंने वहाँ पे जमीन प्लॉटिंग वगैरह काटी है और कई वहाँ पर ऐसी भी है जिन पर रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री करा करके उन्होंने पहचान किया है। जब आप रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री करा के बेच रहे हो तो इल्लीगल हो गई वो। यहाँ पर हम आज कलेक्टर साहब से मिलेंगे और एसडीएम साहब से मिलेंगे।